अमृतसर के हल्का रायासंसी में बिजली विभाग की लापरवाही का शिकार हुए किसानों को सिद्धू का मुआवजा मिल गया, जिसके तहत वह किसान जिनकी फसल शॉर्ट सर्किट के कारण आग का शिकार हो गई। इस मामले में सिद्धू ने उन किसानों को 17 लाख का मुआवजा दे दिया। अमृतसर में एक प्रेस वार्ता दौरान उन्होंने ये रकम उन किसानों को दी, जिसके तहत उन्होंने 15 लाख रुपए के चेक अपने बैंक के खाते से दिए। दरअसल में इस मामले में सिद्धू ने 23 अप्रैल को यह ऐलान किया था कि इस मामले में जो सरकार ने 8000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया है, वही सरकार के मुआवजे के बराबर वह इस इलाके के किसानों को देंगे। साथ ही इसी बीच 117 एकड़ जमीन ऐसी थी जिसकी फसल खराब हुई थी, वही इसी के बीच एक बड़ा ऐलान सिद्धू ने किया, जिसके तहत 85 एकड़ वह जमीन जो इस तरह के हादसों का शिकार हुई है उनको भी मुआवजा देने का नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान किया है। लेकिन सरकार दी कॉम्पनसेशन हाल तक नहीं आई है, जड़ी 8000 है। लेकिन मेरे ते जड़ी जिम्मेवारी सी मैं लाना चाहना 85 एकड़ जमीन हो रहा जी, वो 85 एकड़ भी मैं अडोप्ट करदा जी, ते ओदा भी मैं मतलब अज ही भुगतान कर देना। बरकबा सिर्फ 1000 रुपए का सी, मैं डी साहब नूं कहा भी आपां 1000 रुपए देंदे चंगे नहीं लगते, तो आपां वधा के 2000 कर दिए, 3000 कर दिए, जिस तरह भी तुसीं ठीक समझदे हो। कि जो सरकार की कॉम्पनसेशन आजूगी उदों इन्हां नूं होर राहत मिल जूगी, क्योंकि वह 8000 रुपया होर मिल जूगा। अमृतसर से हनी मेहरा और सनी सहोता, जीवे पंजाब टीवी।